अर्थशास्त्र सामान्य ज्ञान। 31. सूती वस्त्र उद्योग के क्षेत्र में भारत का बोस्टन किस नगर को कहा जाता है? उत्तर, अहमदाबाद। 32. मनी लॉन्ड्रिंग बिल का उद्देश्य है? उत्तर, अवैध रूप से प्राप्त किए गए धन की आवाजाही पर निगरानी रखना। 33. खाद्य एवं कृषि संगठन फाओ का मुख्यालय कहाँ है? उत्तर, रोम में। 34. मुद्रा संकुचन का कारण होता है? उत्तर, वस्तुओं एवं सेवाओं की पूर्ति की तुलना में मुद्रा की पूर्ति में कमी। 35. राष्ट्रीय कोष में सर्वाधिक धन किस माध्यम से जमा होता है? उत्तर, उत्पाद शुल्क। 36. नाबार्ड का तात्पर्य है? उत्तर, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट। 37. किस राज्य की अर्थव्यवस्था को मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था कहा जाता है? उत्तर, उत्तराखंड। 38. ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की स्थापना किस वर्ष की गई थी? उत्तर, 1969। 39. मंगला क्या है? उत्तर, राजस्थान में एक तेल कुआं। 40. एशिया का वह प्रथम व्यक्ति कौन है जिसने अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया? उत्तर, प्रो अमर्त्य सेन, भारत। 41. वैल्यू एंड कैपिटल नामक पुस्तक किसकी रचना है? उत्तर, हिक्स की। 42. करेंसी एंड फाइनेंस पर वार्षिक रिपोर्ट का प्रकाशन किया जाता है? उत्तर, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा। 43. नरसिंहमन समिति ने देश में बैंकिंग ढांचे को कितने स्तरीय बनाने की संस्तुति की थी? उत्तर, 4. 44. मंदरिया व तेजरिया शब्दावली संबंधित है? उत्तर, शेयर बाजार से। 45. तलाल स्ट्रीट स्थित है? उत्तर, मुंबई में। 46. भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है? उत्तर, बम्बई स्टॉक एक्सचेंज। 47. भारत का सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड संगठन है? उत्तर, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, उथी। 48. वास्तविक राष्ट्रीय आय दर्शाती है? उत्तर, स्थिर कीमतों पर राष्ट्रीय आय। 49. भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र सकल राष्ट्रीय उत्पादन में सबसे अधिक योगदान करता है? उत्तर, तृतीयक क्षेत्र। 50. केंद्र सरकार को सबसे अधिक शुद्ध राजस्व मिलता है? उत्तर, एक्साइज ड्यूटी से।